हेलो डी स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन फर्स्ट कराया था और क्वेश्चन यहाँ से आपको फॉर्मूले समझाए थे। इसके गुणोत्तर श्रेणी के योगफलों से संबंधित फॉर्मूले समझाए थे और अनंत पदों तक के योगफल के फॉर्मूले भी आपको समझाए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पेपर पर कराए गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके कारण दिया था हमने कि क्वेश्चन आपको 11 तक करने हैं। अब देखिए 9 से 11 तक क्वेश्चन आपको करनी है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल निकालना है और ये पहला क्वेश्चन भी कराया था पिछले एक्सरसाइज में। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इस श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का एन पद दिया हुआ है और हमें एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। दिया है गुणोत्तर श्रेणी का एन पद यानी कि टी एन बराबर 3 × 2 की पावर n। यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी हम ज्ञात कर लेंगे, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख लेंगे। टी वन यानी कि पहला पद, यानी कि 3 रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे सभी, 2 की पावर 1 यानी कि जगह 6 मल्टीप्लाई करके। टी टू यानी कि दूसरा पद, तो 3 × 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, 4 × 3 = 12। टी थ्री 3 × 2 की पावर 3 यानी कि 8 × 3 = 24। इस प्रकार से ये है पद आ जाएंगे, तो यहां से हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी T1, T2, T3। ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। T1 यानी कि यहाँ पे है 6, फिर 12, 24। इस प्रकार से हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है इसमें 6 और सार अनुपात जो है वो 2 है। ठीक है, और हमें इसके अन्य पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए श्रेणी कौन श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के अन्य पदों का योगफल, क्योंकि इसमें सार अनुपात का मान 1 से बड़ा है, इसलिए a × r·n − 1/r − 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू इसमें 2, 2 की घात n − 1/2 − 1। 2 − 1 यानी कि 1 बचेगा, 1 को छोड़ देंगे तो 6 × 2 की घात n − 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड में दिया है इसमें बी पार्ट में गुणोत्तर श्रेणी है इसमें a, a r, a r² a r³ and so on। और इस श्रेणी के हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, वो भी व्युत्क्रमों का, यानी कि इस श्रेणी के n पदों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम श्रेणी, जो दी गई श्रेणी है इसकी व्युत्क्रम श्रेणी हो जाएगी 1/a, 1/ar, 1/ar² 1/ar³ and so on। और इस श्रेणी के हमें अन्य पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसका प्रथम पद जो है, प्रथम पद है इसमें 1/a और सार अनुपात r का मान जो होगा 1/ar / 1/a, कोई पद और अपॉन उसके पूर्व पद, ए से कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा 1/r। ठीक है, सार अनुपात r का मान जो है इसमें 1/r हो गया, r1 ले लिया आपके सार अनुपात। ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। यहां देखिए ध्यान से a × r·n − 1। ठीक है, r·n − 1, r1 है यहां पर, हमने सार अनुपात r1 लिया इसमें, अपॉन r·1 − 1 व्युत्क्रम में, इस श्रेणी में हमने सार अनुपात r1 लिया है, r1 का मान है 1/r। और a यहाँ पे प्रथम पद a1 मान लीजिए, a1 की वैल्यू है यहाँ से 1/a और r की वैल्यू है 1/r और इसकी पावर n और -1 और अपॉन r1 की वैल्यू 1/r − 1। सोल्व करेंगे इसको, देखिए हो जाएगा 1/r·n − 1/a × 1 − r/r, इसकी गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, ये होएगा 1 − r·n / r·n आएंगे और r·n जब यहाँ भाग में आएगा तो इससे 1 r की घात कट जाएगी, तो r की घात बचेगी n − 1, तो a × 1 − r और r·n − 1, क्योंकि इसके अपॉन में r है और r से इसकी एक घात यहाँ n घात कम कर दे। ठीक है, ये प्रूफ कराएंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस श्रेणी का योगफल में ज्ञात करना है n पदों तक और इस श्रेणी का योगफल भी ज्ञात करना है n पदों तक। यहाँ पे जो संख्या मतलब दो संख्या गुणनफल के रूप में लिखे हैं प्रत्येक पद, सबसे पहले हम इनकी गुणा कर लेंगे और गुणा करके दो श्रेणी बनेगी इसमें अलग अलग और दोनों श्रेणी को n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, देखिए गुणोत्तर श्रेणी दी है x × x + y, x² × x² + y² x³ × x³ + y³ and so on। ठीक है, इस श्रेणी का हमें n पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे Sn, n पदों का योगफल, यानी कि प्रथम पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद
प्लस एन से उन कहाँ तक, एन पदों तक। देखिए यहाँ से हम गुना करेंगे और गुना करके यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा एक्स वाई। इसी प्रकार यहाँ से आएगा एक्स घात चार और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ से तो ये जो पहली गुना हम कर रहे हैं इन पदों को पहले लिखेंगे और जो वाई एक्स वाई वाले पद हैं इन पदों को हम दूसरी श्रेणी में लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार देखेंगे एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए फिर एक्स घात चार एक्स घात छः प्लस कहाँ तक, एन पदों तक। एक श्रेणी तो इसमें यह हो गई प्लस, फिर दूसरी श्रेणी ये बनेगी यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एन सो कहाँ तक, ये भी एन पदों तक। यानी कि इसमें दो श्रेणी बन गई और दोनों श्रेणी का एन पदों का योगफल में ज्ञात करना है, तब इस गुणित श्रेणी का एन पदों का योगफल ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस श्रेणी में प्रथम पद एक्स घात दो और सारा अनुपात भी एक्स घात दो है, एक्स घात दो से गुणा होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटू एन पदों का योगफल यानी कि एक्स घात दो हो जाएगी ए इंटू आर की पावर एन यानी कि एक्स घात दो की पावर हो जाएगी एन और माइनस वन अपॉन एक्स माइनस स्क्वायर माइनस वन यानी कि आर माइनस वन। ठीक है, प्लस सेकंड श्रेणी का प्रथम पद जो है वो है एक्स वाई, तो एक्स वाई इंटू और एक्स वाई ही इसमें सार अनुपात बनेगा। ठीक है, एक्स वाई की पावर एन, देखिए इसमें एक्स वाई से गुणा होती जा रही है हर एक पद में, और माइनस वन अपॉन आर माइनस वन यानी कि एक्स वाई माइनस के वन। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, यहां से इसकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर टू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वन और प्लस यहां से देखिए एक्स वाई इंटू एक्स की वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस के वन। इसको चाहो तो आप जो है आगे सोल्व कर सकते हो, गुणा कर सकते हो इसकी और फिर यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थ्री का बी पार्ट देखिए, गुणोत्तर श्रेणी है एक्स प्लस एक्स वन अपॉन एक्स की का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एन सोन एन पदों तक। इसका योगफल क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे एस एन इक्वल टू, ये श्रेणी लिखेंगे जुगे जुगे। देखो इसका यहाँ पे हम होल स्क्वायर बोल रहे हैं, तो ये पहला पद है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा टू, फिर प्लस सेकेंड पद एक्स घात चार प्लस वन अपॉन एक्स घात चार प्लस हो जाएगा टू, क्योंकि जब एक गुणा मारेंगे तो ये कैंसिल आउट होते रहेंगे। ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा तो एक्स घात छः प्लस वन अपॉन एक्स घात छः प्लस टू प्लस कहाँ तक, एन पदों तक। अब इसमें भी तीन श्रेणी बनेगी, पहली श्रेणी ये दूसरी श्रेणी और इसके तीसरी श्रेणी दो दो लेंगे। ठीक है, यहाँ लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर छः प्लस एन सोन कहाँ तक, एन पदों तक प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस कहाँ तक, ये भी हो जाएगा भाई एन पदों तक प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस कहाँ तक, एन पदों तक। ठीक है, देखिए यहां से जो श्रेणी बननी है गुणोत्तर श्रेणी, इसके एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये श्रेणी जैसी ऊपर बनी थी सेम इसी प्रकार से। ठीक है, अब यहां से भी इसके एन पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से देखिए ये दो दो जुड़ रहे हैं एन पद तक, इसका मान हो जाएगा टू एन, कितना हो जाएगा टू एन। यहां से इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस इस श्रेणी के एन पदों का योगफल हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्रथम पद है और सारा अनुपात भी इसमें वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर हो जाएगी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस इसका योग हो जाएगा टू एन। इसको यहां से सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर जाएगी टू एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस, इसको यहां सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देखिए आएगा ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई में और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां से गुणा करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर टू एन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर टू एन। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो गई यहां पर वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस के टू एन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
जिस प्रकार से हमने अभी एक क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर करना है। इसके पहले पदों को एक साथ रखना है, दूसरे पदों को एक साथ रखना है और तीसरे पदों को एक साथ रख करके श्रेणी तीन श्रेणी बनेगी और तीनों को योगफल ज्ञात कर लेना है अंत सात पदों तक। ठीक है, सात पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही बी पार्ट करना है, यहां से देखिए इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां से इसको इस प्रकार से लिखना है, पहले पद को आपको लिखना है 2^1-1, दूसरे पद जो है तीन को लिखना है 2^2-1, यानी पहले पद को इस प्रकार से लिखना है, दूसरे पद को इस प्रकार से, तीसरे पद को इस प्रकार से। तो यहां से पहले पहले पद लेंगे तो एक श्रेणी यहां बनेगी और दूसरे दूसरे पद लेंगे तो एक श्रेणी वो बन जाएगी। ठीक है, यहां से इसी प्रकार करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड कराया है आपको, ऐसे क्वेश्चन नंबर सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7+77+77। ठीक है, इस प्रकार से जो है रिपीटिंग हो रही है, इस सवाल को समझिए ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देख लेंगे, हमें इस क्वेश्चन के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। हम देखेंगे एस एन बराबर 7+77+77+8+7+ कहां तक, एन पदों तक। अब देखिए ध्यान से, एस एन इक्वल टू 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी कि जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसको कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा 1+11+111+111+ कहां तक, n पदों तक। अब हम इसमें क्या करेंगे ध्यान से, यहां से एक क्या करना है, हर बार आपको ऐसे ही लेना है। यदि यहां चार चार है तो चार कॉमन ले लेंगे, तीन तीन है तीन कॉमन ले लेंगे, यहां पे 1-1 बच जाएगा। अब आपको इसे 9 से डिवाइड कर देना है, 9 से कर देना है मल्टीप्लाई, यहां 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा 99 और ये होगा 999 और ये हो जाएगा 9999 और ये n पदों तक। ठीक है, सब क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, 7/9। ठीक है, अब यहां देखिए 9 को लिखेंगे 10-1, इस 99 को लिखेंगे 10 यानी कि 100-1, फिर 1000-1 99 को, फिर इसी प्रकार से लिखते चल जाएंगे n पदों तक। ठीक है, यहां से दो श्रेणी बनेगी, एक पहले पद लेकर के और दूसरे पद लेकर के। तो 7/9 को बाहर रखेंगे और दो श्रेणी बनाएंगे 10+100+1000+n पदों तक। और प्लस दो श्रेणी बनेगी, सॉरी माइनस ले लेंगे यहां से कॉमन, क्योंकि माइनस है इनमें सब में, तो यहां बचेगा 1+1+1+ कहां तक, n पदों तक। 7/9 × ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें सार अनुपात 10 है और प्रथम पद भी 10 है, तो 10 × 10^(n-1)/-1। और ये भी ये समांतर श्रेणी है तो इसके n पदों का योगफल n ही होगा, क्योंकि तो इसमें ये पद 1-1 जो है ये n पद जुड़ रहे हैं तो योगफल n ही बैठ जाएगा। ये हो जाएगा 7/9 × 10 × 10^(n-1)/9 और माइनस के n की मल्टीप्लाई कर देंगे 7/9 × 10 × 10^(n-1)-9n/9 या 9 9 81 7/81 × 10 × 10^(n-1)-9n ये इसका आंसर है।